दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुअल समिट में दोनों देशों के आपसी संबंधों के 2030 तक के रोड मैप पर बड़ी प्रगति हुई है। ब्रिटेन और भारत ने क्लाइमेट चेंज को रोकने को लेकर प्रतिबद्धता जताई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई इस बैठक में ब्रिटेन की तरफ से भरोसा दिया गया कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत भेजने का जल्द ही इंतजाम किया जाएगा। इसराइल में हुए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक गठबंधन सरकार बनाने की समय सीमा मंगलवार की मध्यरात्रि को खत्म हो गई, लेकिन वो इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद 12 सालों में पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। पिछले 2 सालों से 4 बार चुनाव के बाद भी सरकार बनाने में गतिरोध रहा है और नेतन्याहू पिछले 23 मार्च से संसद में बहुमत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बीच इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को 16वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुर्तगाल की यात्रा करनी थी, जिसके बाद उन्हें फ्रांस दौरे पर जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ये यात्रा रद्द हो गई और ये बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी। इस बीच भारत में इसराइल के राजदूत रॉन मालका के साथ हुई दुनिया तक की एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि इसराइल ने कोरोना में भारत की मदद के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है और इसराइल से भारत को सभी संभव मदद भेजी जा रही है। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने पर रोक लगाने और 5 साल की जेल की सजा, 66,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के जुर्माने का प्रावधान करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के फैसले को लेकर विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हालांकि अपने निर्णय का बचाव किया है और कहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोत्तम हित में है, ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकेगा। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंथनी अल्बानी ने अपने देश के लोगों को भारत में छोड़ने और वापस आने पर जुर्माने और जेल की सजा देने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों ने #FreeTheVaccine कैंपेन लॉन्च की है। इससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका अस्थायी तौर पर कोविड वैक्सीन के पेटेंट हटा लिए जाने की मांग कर रहे थे, ताकि वैक्सीन की सप्लाई दुनिया भर में तेजी से हो सके। इस बीच भारत से साउथ अफ्रीका पहुंचे एक कार्गो शिप के 14 क्रू मेंबर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये शिप डर्बन में रविवार को पहुंचा था। क्रू मेंबर्स को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बड़ी खेप भारत पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कोविड से निपटने में भारत के साथ खड़ा है।